हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हमारे लेट्स डू यूट्यूब चैनल का फर्स्ट डे है और आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। तो बोर्ड पर मैंने लिखा है, आपको समझाऊंगा भी कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर वर्ब नहीं होती, जिसके अंदर एक्शन नहीं होता है, जिसके अंदर कोई काम नहीं होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कुल मिला के उस सेंटेंस का टेंस से कोई वास्ता नहीं होता है। तो देखें कुछ एग्जाम्पल। प्रेजेंट सेंटेंस यानी वर्तमान के सेंटेंस। देखें, हम जानते हैं कि सेंटेंस भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सेंटेंस, जिसकी हिंदी के लास्ट में है, हूं या हो आएगा, जिसकी इंग्लिश इज, एम, आर होगी, इन्हें हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इट का यूज करेंगे हम किसी एनिमल्स के लिए या कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए। My, our, your, their, his और her, इन्हें बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यही ध्यान रखें कि इनकी हिंदी क्या होती है। फिर देखें सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत या तो नाउन से हो सकती है या प्रोनाउन से हो सकती है। उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है और आर भी, नाउन के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार। थर्ड आएगा आपका, या तो आ सकता है एडजेक्टिव, ओनली एडजेक्टिव, या आ सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, या आ सकता है ओनली नाउन। ये कुछ एग्जांपल देखें। मैं एक लड़का हूं, आप जानते हैं आई यहां पे क्या है, प्रोनाउन है। एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ए बॉय, ए बॉय की बजाय बोले ए बॉय, याद रखें। जब ए को अकेला पढ़ा जाता है ए बोलते हैं, और जब नाउन से पहले यूज करते हैं बोलते आई एम ए बॉय। वह रानी है, सी इज रानी। वे आपके पिता है, याद याद है, वे का मतलब हम ये नहीं लिखेंगे दे, क्योंकि पिता सिंगुलर है, इसलिए हिंदी में वे जरूर आएगा लेकिन इंग्लिश में ही आएगा। ही इज योर फादर। उसके बाद देखें, राजू आपका दोस्त है। आपका या तुम्हारा, दोनों की इंग्लिश योर ही होती है। राजू इज योर फ्रेंड। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। Your brother is very nice। आगे हम पर्सन भी लिख सकते हैं। यह है तुम्हारी किताब है। देखिए, यह का यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए, जब कोई नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग हमारे काफी नजदीक हो तब हम यह, इसकी इंग्लिश होती है दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। ये देखें, ये दिस का प्लूरल होता है दीज। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। वह काली कार है। वह का यूज करते हैं जब कोई नॉन लिविंग हमसे काफी दूर हो तब हम यूज करते हैं। दैट इज अ ब्लैक कार, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ठीक है,